हमवीर सिंह बघेल जी के कोर्ट के द्वारा श्री कामेश्वर पांडे जो भागलपुर के वरीय अधिवक्ता ही नहीं थे बल्कि पूरे बिहार के एक विख्यात अपराधी अधिवक्ता थे और वो इतना ही नहीं बार काउंसिल के उपाध्यक्ष भी थे, उनके और उनकी दाई रेणु झा के डबल दोहरे मर्डर केस में जो कि 6 मार्च 2020 को हुई थी उनके नवाबाग स्थित अपने मकान में, और लोगों को जानकारी जो सबसे पहले प्राप्त हुई थी उनके जो ड्राइवर है पंकज कुमार वो जब उनके घर पर उनको कोर्ट लाने के लिए गया था तो उसी समय उसको जानकारी मिली और उसने देखा कि उनके जो मालिक हैं श्री कामेश्वर पांडे जी उनका छत विछत लाश वहाँ उनके बेड पर पड़ा हुआ था, और फिर जो है उसने खबर किया उनके रिलेटिव को, सारे रिलेटिव लोग उनके आए, वो रिलेटिव लोग आए सब ने देखा, फिर जो हुआ कि दाई कहाँ है, पुलिस आई और पुलिस सब ने खोजबीन जारी किया तो रेणु झा जो उनकी दाई थी उसका लाश जो है वहीं उनके जो नीचे पोर्टिको है उस पोर्टिको में एक ड्राम था, ड्राम में उसका पूरा लाश बांध बोध के मोर मार के डाला हुआ था, तो पुलिस ने वहाँ से उसको प्राप्त किया। तब छानबीन शुरू हुआ इस मामले में, सबसे पहले जो है 7 तारीख को, 6 तारीख को घटना की जानकारी हुई थी और 7 तारीख को सबसे पहले इस मामले में एक अज्ञात अपराधी जो थे रवीश कुमार सिंह उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्होंने जानकारी दिया, उनके कन्फेशन के आधार पर जो गोपाल भारती हैं जो उनके रिश्तेदार अरविंद कुमार जो किशनगंज के रहने वाले थे वहाँ पर पता लगा कि गाड़ी जो है कामेश्वर पांडे की जो गाड़ी थी वो गाड़ी अरविंद कुमार के यहाँ घर पर पड़ा हुआ है, और तब पुलिस छानबीन शुरू की इधर से, और उधर जो अरविंद कुमार थे जो गोपाल भारती के रिश्तेदार थे उन्होंने भी किशनगंज पुलिस को खबर किया कि मेरे यहाँ ऐसे ऐसे गोपाल भारती 2 आदमी के साथ आए थे, और उस खबर पर जो है पुलिस ने उस गाड़ी को रिकवर किया किशनगंज थाना ने, और तब वहाँ चूँकि सोशल मीडिया पर उन लोगों ने देखा कि जो ये गाड़ी लेके आए हुए हैं कामेश्वर पांडे जी जो भागलपुर के एक विख्यात अधिवक्ता हैं उनकी गाड़ी है और उनका मर्डर हो गया है, ये सोशल मीडिया पर देखकर वो लोग घबरा गए और चूँकि ये लोग वहाँ गाड़ी छोड़कर भाग गया तो उसके बाद उन्होंने खबर किया, तब किशनगंज पुलिस ने उस गाड़ी को रिकवर किया, तो ये मामला यहाँ आया। उसके बाद 2 दिन के बाद जो है वहाँ वीरपुर में जो है दोनों गोपाल भारती और राजकुमार जो एक अन्य मुदाले थे दोनों पकड़ाए थे, वहाँ एक साथ पकड़ाए थे, तो बहुत सारे अभियोजन की ओर से इसमें 14 गवाही प्रस्तुत किया गया, और 14 गवाही को प्रस्तुत करने के बाद कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को न्यायालय ने 3 मुदाले जो ट्रायल फेस कर रहे थे उस 3 मुदाले में गोपाल भारती को दोषी पाया, 302 भादवी और 380 भादवी में जो कि मर्डर का सेक्शन है और उसमें दोषी पाते हुए आज सजा के बिंदु पर रखा गया था, और 15 तारीख को जो इस मामले के 2 मुदाले हैं रवीश कुमार सिंह और राजकुमार उनको 15 तारीख को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए उन दोनों को बरी कर दिया, और आज जो है सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई न्यायालय में, और सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों का सुनवाई करते हुए 302 में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और 10,000 रुपया जुर्माना दिया गया, और 380 में 5 वर्ष की सज़ा सुनाई गई और 5 वर्ष की सज़ा सुनाई गई और 1,000 रुपया जुर्माना लगाया गया। इतना ही नहीं 302 में जो सज़ा दी गई और जो जुर्माना लगा जो सज़ा दी गई और जो जुर्माना लगाया गया उसमें कहा गया कि अगर डिफॉल्टर रहेंगे तो उनको 1 वर्ष अतिरिक्त सज़ा उसमें जाएगा और अगर 380 में डिफॉल्टर रहेंगे तो 3 माह अतिरिक्त सज़ा जाएगी। ये 4 साल क्यों लग गए? 4 साल ट्रायल में इसलिए लगे कि जो पुलिस ने अनुसंधान किया था, ऐसे तो पुलिस जो अभियोजन को सांग है उसका बहुत सहयोग हमें प्राप्त हुआ और हम अपने लोक अभियोजक महोदय को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट केस हमको हम पर विश्वास करते हुए हमको दिया कंडक्ट करने के लिए। समय इसलिए लगा कि पुलिस ने जो अनुसंधान किया था और जो आरोप पत्र समर्पित किया था तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट गवाह थे उस गवाहों का नाम चार्जशीट में नहीं लाया गया था। इवन जो गोपाल भारती के रिश्तेदार हैं उसका नाम जो अरविंद कुमार जो किशनगंज से गवाही के लिए हमने बुलाया तो वो उनको भी गवाह नहीं बनाया गया था। तो उस प्रक्रिया में हमको गुजरने में पिटीशन दिए, बहस हुआ, अलाउ हुआ, तब गवाही को समन हुआ, थोड़ा समय लगते गया। सर अपना परिचय दे। और मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी हुआ, इस मामले का सरकार की ओर से मैंने ही संचालन किया है। धन्यवाद।